अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। मिसेस सोनल शाह एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और गुजरात के अहमदाबाद शहर से अपने काम को ये ऑपरेट करती हैं। मिसेस सोनल शाह की खासियत ये है कि ये बड़े बड़े टारगेट रखती हैं और फिर उस टारगेट को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। जिस टॉपिक पर ये बात करने वाली हैं उस टॉपिक का नाम है मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन। इन्होंने अपनी जिंदगी को बड़ी ही गहराई से अध्ययन किया है और एज ए वुमेन इन्होंने ये परखा है, इन्होंने ये जाना है कि एक औरत का मेंटली क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस को कैसे वो झेलती है और जिंदगी में आगे बढ़ती है, इस बात को वो डिटेल में हमारे सामने रखने वाली हैं। इस मंच पे बीआईटीवी ने मुझे ये टॉपिक बोलने के लिए, मेंटल और डिप्रेशन हेल्थ के बारे में बोलने के लिए जो मौका दिया है उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अपनी आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग हेल्थ को भूल के वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, उसमें हेल्थ बिगाड़ रहे हैं। तो भी बहुत सारे लोग फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं पर मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ डिप्रेशन की बीमारी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। डिप्रेशन इज अ वन टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, हम सब इसको नॉर्मल लेते हैं, इसलिए इंडिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस से इंडिया पास हो रहा है। लोगों में उसका एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है और ये तनाव स्ट्रेस की वजह से भी आता है, इसलिए ये समस्या इतनी आम हो गई है कि हर उम्र के लोगों में ये नजर आती है। हालांकि सब लोगों में इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, किसी को काम की चिंता, किसी को एग्जाम की चिंता, किसी को रिश्तों में अनबन की चिंता। ये तनाव चाहे किसी भी कारण हो, तनाव का प्रभाव स्वास्थ्य पे होता है। तनाव जब भी आता है तब फिजिकल और साइकोलॉजिकल लक्षण हो सकते हैं। फिजिकल में सिर दर्द होना, बीपी होना, धड़कन बदल जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, थकावट होती है, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यू में पेशेंट को 3 लेवल का स्ट्रगल करना पड़ता है। उसमें उदासी बनी रहती है, बात करने की इच्छा नहीं होती, कम और ज्यादा भी लगती है, नींद कम और ज्यादा आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कई महीनों कई हफ्तों तक ये लक्षण को वो समझते नहीं, ये शायद लाइफ में कोई घटना हुई है और नहीं भी हुई कोई भी रीजन से ये सिम्टम्स आते हैं, इसको अपने आप में स्ट्रगल करना चाहिए। मुझे डिप्रेशन है इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो नहीं करते और सोचते हैं कि ये बीमारी कमजोर लोगों को आती है और कमजोरी मेरे भीतर नहीं है, इसकी वजह से, ये सोच की वजह से इसमें कितने महीने और कितने हफ्ते गुजर जाते हैं। ये पहला स्ट्रगल अपने आप में है, ये स्ट्रगल अपने आप में होता है, इसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती जाती है। सेकंड स्ट्रगल फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स, जब एक इंसान कन्विंस होता है, खुद को कन्विंस करता है कि यस, वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे कोई बीमारी है, तब जाके वो उसके फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करना चाहता है, उनके साथ कुछ ना कुछ शेयर करना चाहता है, अपने प्रॉब्लम फैमिली मेंबर को बताता है, पर अनफॉर्चुनेटली फैमिली मेंबर ये बात कहकर टाल देते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, दिमाग को शांत रखो, ऐसी बात बोल के पेशेंट को चुप कर देते हैं। सही में ये कुछ नहीं है, एक बात बताते पेशेंट को भी ऐसा फील होता है कि सही में मुझे कुछ नहीं है, तो ये बात वापस महीने हफ्तों बीत जाती है और उसका कोई इलाज नहीं होता और ये बीमारी सेकेंड लेवल सेकेंड स्ट्रगल पे चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली थर्ड लेवल डॉक्टर का होता है, इसमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना होता है। फ्रेंड्स, लोग डरते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए, वो लोग समझते हैं कि मेंटल बीमारी वो बहुत बड़ा ऐसा बीमारी है कि हम लोगों को कह नहीं सकते, उसको शेयर नहीं कर सकते, हम साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते, ऐसी सोच उन लोगों की होती है। इसकी वजह से वो नॉर्मल फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं,
फिजिशियन के पास जाते हैं, उनकी अपनी डिसीज को बहुत डीप में नहीं बता के थोड़ा बहुत बता के डिस्कस करते हैं। इसकी वजह से फिजिशियन उसको पूरी दवाई नहीं दे पाते, या फिजिशियन को जैसे साइकोलॉजिकल इसका ज्ञान है उतना ज्ञान फिजिशियन को नहीं होता है, तो वो भी उनको थोड़े टाइम के लिए ऐसा बोलते हैं कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, घूमो फिरो, आपको कुछ नहीं होगा। ये लेवल पे पहुंच के भी वो ऐसा सोचते हैं कि पेशेंट सोचते हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया तो यानी कि मुझे कुछ नहीं। तो ये हर स्ट्रगल हर लेवल ये एडवांस पे कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको बीमारी होती है वो एडवांस लेवल पे पहुंच जाती है। तब उनको जब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तब ये लेवल बहुत बढ़ जाता है। अगर जो पहले से गए होते तो ये बीमारी थोड़ी मेडिकेशन या कंसल्टेशन से चली जाती, पर ये थ्री स्ट्रगल पार करने की वजह से ये एडवांस का रूप ले लेती है। फ्रेंड्स फैमिली का इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि हम बीमारी व्यक्ति को बारे में डॉक्टर को नहीं बताए, या बीमार व्यक्ति का ऐसा कोई खराब इंटेंशन नहीं होता, पर आजकल की जिंदगी में खास करके हमारे इंडिया में लोग नेबर का कि हमारे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे कि इसको मेंटल इश्यू है, मैं फिजिशियन के पास ले जा रही हूँ, तो ये सोच के लोग क्या सोचेंगे कि इसको मेंटल बीमारी हो गई है। ये सोच के फैमिली भी डरता है और जो पेशेंट होता है तो वो भी डरता है। फ्रेंड्स फैमिली अगर आपके घर में भी कोई मेंबर को ऐसा प्रॉब्लम है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, बिकॉज अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो जो भी बेयर करना है फैमिली मेंबर को और पेशेंट को बेयर करना है, उसमें कोई नेबर और कोई रिलेटिव्स के पास नहीं आने वाले। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके खुद को कुछ है तो सबके पहले आप खुद इसका सिम्टम्स जो भी है वो सोचिए और साइकोलॉजी के पास जाइए। अगर वो नहीं जाते तो फैमिली भी आपको फैमिली मेंबर जो भी है वो उसको ले जाए, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। और फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहती हूँ, ये बीमारी हमारे यहाँ मेल की कंपैरिजन में फीमेल को दुगनी होती है। उसका कारण कई लेवल पे होता है, फीमेल में हॉर्मोन्स उसके अलावा साइकोलॉजिकल और स्पेशल फैक्टर भी होते हैं। मेल से ज्यादा परेशानी फीमेल को झेलनी पड़ती है, इसमें मेंसेस का रोल भी ज्यादा होता है। लेडीज को उसमें वो पीरियड में मन उदास रहता है, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, भूख ज्यादा और कम भी लगती है, नींद ज्यादा और कम भी आती है, माइंड शांत नहीं रहता, लोनलीनेस फील करता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। और लेडीज को इतने प्रॉब्लम होते हैं कि छोटी छोटी बातों में झगड़े करना स्टार्ट कर देती है, छोटी बातों का बड़ा रूप ले लेती है, और उनको ऐसा होता है कि मेरा इस महीने कोई नहीं, इतने तक नेगेटिव सोच रखती है। महिला को फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा से ज्यादा आते हैं, ज्यादा सिम्टम्स जो फिजिकल होते हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं साइकोलॉजी की जगह से। पेट में दर्द होना, कफ होना, बुखार होना, बॉडी पेन होना, कमजोरी होना। और फ्रेंड्स मेंसिस में जो लेडीज को प्रॉब्लम है, मेंसिस के 7 दिन पहले उनके मुंह में स्विंग करना, हाथ में स्वेलिंग आना, ये पीरियड खत्म होने के बाद ये सब सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। इसको डॉक्टर की भाषा में प्रीमैच्योर सिंड्रोम कहते हैं, उसको इस तरह से बोलते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लाइफ में कोई घटना बनी हो या ना बनी हो ये सिम्टम्स आते हैं। जैसे हम भी मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं फ्रेंड्स, 2 महीने तक मैं खुद भी ये सब सिम्टम्स मुझे भी हुए थे, पर ये शुरुआत थी और मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। जब अपना कोई डियर वंस एक्सपायर हो जाता है तो तब भी ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम उसको बहुत ही प्यार करते हैं और मैं भी मेरी मदर को बहुत प्यार करती थी, और एकदम से अचानक चली गई तो 2 महीने में भी ये सिम्टम्स मैंने फील किए। पर फ्रेंड्स ये सब सिम्टम्स फील करने के बाद मैंने उसको ओवरकम करने के लिए सब पॉजिटिव स्टेप लिए। मैंने अपने आप को कहीं सोशल मीडिया पे नहीं ढूंढा, किसी से बात भी नहीं की, उसकी बजाय मैंने अपने आप में ये ढूंढना सीखा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने मेरी जरूरत समझी, मैंने मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो समझना चाहा, और मैंने
के नेचर को अपनाया, सोर्स ऑफ हीलिंग बनाया। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, घंटों तक ग्रीनरी में बैठी रहती थी, पेड़ों को दिखती रहती थी। जब आपकी लाइफ में भी कोई इंसान काम में नहीं आता, तब आपको नेचर काम में आता है। तब महसूस करते हैं कि डिप्रेशन के अलावा बहुत सारी चीज लाइफ में है, जो पहले के जमाने में लोग पेड़ों की पूजा करते, आज भी बहुत जगह पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, पर पहले बहुत पूजा होती थी और तब भी पेड़ को इतना माना जाता है। फ्रेंड्स, हमको हेल्थ का प्रॉब्लम होता है तो हम दवाई कहाँ से लेते हैं? पेड़ पौधे से ही ये दवाई आती है। तो हमारे हेल्थ के पीछे ये ग्रीनरी और नेचर का बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये हमारी हेल्थ खराब होती है तो भी इससे दवाई और हमको पीस मिलता है, ऐसे हमारी मेंटल हेल्थ को भी पेड़ काम में आते हैं, ग्रीनरी काम में आती है, नेचर काम में आता है। वैसे ही मैंने मेडिटेशन फोकस करना चालू किया। मेडिटेशन करते टाइम चारों जो वॉइस की सोच, फिजिकल वर्क रिचार्ज कर सकते थे, आपकी एनर्जी को जहाँ लगाना है लगा सकते हैं। सही फायदा मेडिटेशन ने दिया, जहाँ एक तरफ मैंने ओम मंत्र से मेडिटेशन चालू किया, उसमें मुझे इतने सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, नेगेटिव वाइब्रेशन सारे निकल गए। और वही ब्रीथिंग की एक्सरसाइज, इमोशन को कंट्रोल किया जा सकता था, जैसे गुस्सा, खुशी, इमोशन पे काबू किया जा सकता था। तब मैंने महसूस किया कि मेरी हीलिंग प्रोसेस अभी बहुत फास्ट हो रही है। ये सब करने से मेरा फोकस बढ़ रहा था, एनर्जी और फोकस को उस एक्टिविटी पे लगाना चालू किया जिसमें मुझे रिजल्ट मिलने लगा। और जब हम एनर्जी को सही जगह पे लगाते हैं, डिप्रेशन हमारा पे हावी नहीं होता, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सो मैंने थ्री स्टेप्स बताए मैंने क्या किया। नेचर से कनेक्टिविटी जिसमें मुझे शांति मिली, मेडिटेशन ये मेरी अंदर की हीलिंग प्रोसेस फास्ट होने लगी, फोकस एनर्जी को मेरा बढ़ाया। तीसरा एक्टिविटी करके हॉबी में एनर्जी और फोकस को लगाया, माइंड को डाइवर्ट किया। अगर आपकी लाइफ में किसी बात से परेशानी है तो ये चीजें कीजिए, अपने आप में ढूंढिए कि हमको क्या प्रॉब्लम है। जाते जाते मैं एक दो बात और कहना चाहती हूँ। हमारे यहाँ एक बड़ा इश्यू हुआ था निर्भया का, उस आदमी को भी डिप्रेशन ही था। फ्रेंड्स, वो डिप्रेशन ऐसा था कि वो कोई भी दो कपल को साथ में नहीं दे सकता था, तो ये एक तरह का डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन आदमी को ड्रग्स ले जाता है, किसी का खून करवाता है, किसी का रेप करवाता है। तो ये बीमारी इतनी बड़ी है, तो ये सिम्टम्स इतना बड़ा है, पर इसमें डरने की कोई चीज नहीं है। आप अपने में ढूंढो, मेडिटेशन करो, वॉकिंग करो। अगर आपका लेवल बहुत बढ़ गया है तो वो कंसल्टेशन करो, उसमें कोई शर्म नहीं रखो, मेडिकेशन करो और बातें करो। और आपको जहाँ ट्रस्ट है, जिस पे ट्रस्ट है, उसके साथ बातें करो, फैमिली में रहो, फ्रेंड्स में रहो। और आपको जो अच्छा लगता है, सपोज संगीत अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है तो वो करो, डांस करने की इच्छा होती है तो वो करो, ग्रीनरी पे चलो, पेट के साथ टाइम बिताओ, आप पेंटिंग करो, कुछ भी करो, पर इसको हीलिंग अपने आप से जो जितना करोगे उतना जितना फायदा होगा, वो लोगों से कभी फायदा नहीं होगा। तो अगर आपको कुछ भी है तो ये समझो। और जाते जाते मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जीवन बहुत कीमती है, उसकी कीमत समझिए। हेल्थ इज वेल्थ एंड मेंटल इज आल्सो हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आपका ध्यान रखिए और आपको मेडिकल के लिए कोई भी बात का शरण नहीं कीजिए। जो भी है, अगर आपको लेवल बढ़ गया है तो डॉक्टर को भी कंसल्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच।